हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मोबाइल परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करें, कैसे बेटर करें। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं मोबाइल परफॉर्मेंस फास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं क्या है, जैसे ही हमारा काम हो जाता है हम क्लियर ऑल क्लियर कर देते हैं, सभी एप्लीकेशन को फोर्सेबल क्लोज कर देते हैं। इस पूरी लिस्ट को हम क्लियर ऑल नीचे ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, समझते हैं कि हमारा मोबाइल फास्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये होता क्या है, हम जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो जो भी रिक्वायरमेंट फाइल कैश मेमोरी में डाउनलोड करके रखा होता है, जैसे हम क्लियर करते हैं तो कैश मेमोरी से भी क्लियर होता है। अब मैंने कोई क्लियर नहीं किया है, देखो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, डायरेक्टली ओपन हो गया है जो मुझे पेज था। अब अगर मैं गेम को ओपन करता हूँ तो देखो ये सीधा ओपन हो गया है प्ले बटन पे, कोई लोड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसका सभी मेमोरी कैश मेमोरी पे सेव था। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको कुछ क्लियर करके। अब मैं सिर्फ कैंडी क्रश को क्लियर करता हूँ, अब फिर से ओपन करता हूँ। जैसे मैंने क्लियर किया है तो उसका पूरा टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो चुका है। ये देखो फिर से अब लोड हो रहा है। जो भी एप्लीकेशन आप बार बार यूज करते हैं, रेगुलरली यूज करते हैं, तो बेटर है उसे क्लियर ना करें, क्लोज ना करें। ये देखो फिर से लोडिंग हो रहा है, इसमें आपका पावर सेविंग होगा, बैटरी सेविंग रहेगा, जो भी फाइल्स डाउनलोड हो रहा है वो भी सेव हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे क्लोज ऑल ना करें। जो भी आप यूज नहीं करते, आपको पता है आप यूज नहीं करते, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। देखो इतना टाइम आप सेव कर सकते थे अगर आप क्लियर नहीं किए होते तो। ये अभी ओपन हो गया है। अभी नेक्स्ट क्या है, जब भी हम कोई नया फोन लेते हैं या फिर फॉर्मेट करके फ्रेश इंस्टॉल करते हैं, तो हम सबसे पहले इंस्टॉल क्या करते हैं, सीसी क्लीनर, क्लीन मास्टर, ये सभी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं जो कि बिल्कुल ही रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए मैंने टेम्पररी इसको इंस्टॉल किया कुछ दिखाने के लिए। देखो अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो ये करता क्या है, वही काम करता है जो आप क्लियर आउट कर रहे थे ना, टेम्पररी फाइल्स कैश फाइल्स डिलीट करता है। दिखाता हूँ आपको अभी एनालाइज करके, एनालाइज क्लिक किया मैंने, ये एप्लीकेशन बस आपका स्पेस लेते और कुछ ज़्यादा कुछ आपको परफॉर्मेंस का इफेक्ट पड़ता नहीं इससे, तो बेहतर है कि इससे इंस्टॉल ही ना करें। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, अभी वही जो मैंने बोला था ना, एप्लीकेशन केस फाइल जो रिक्वायरमेंट आता है उसको ही क्लियर करता है, इडन केस, और नीचे भी दिखा रहा है ऐड, जो खुद ऐड क्रिएट करा है उसको ही क्लियर करा है। अगर हम इंस्टॉल ही नहीं करेंगे तो ऐड ही नहीं आएगा। तो अब जैसे इसको क्लियर करते हो इतना ही क्लियर कर देता है केस फाइल्स, और जो भी रिसेंटली आप क्लोज आप स्टार्ट किए थे उतना ही क्लोज करता है। और भी ऐप है जैसे पावर सेवर, बैटरी सेवर, ये कुछ करते तो नहीं है। अगर आपको सच में सेव करना है बैटरी तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम करें, या फिर डेटा यूज नहीं है तो डेटा को ऑफ करें, वाईफाई को ऑफ करके, और स्पेशली एंटीवायरस भी इंस्टॉल नहीं करें तो बेटर है। कुछ वायरस तो रहता है तो नहीं है, तो चूँकि हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बेटर सब इंस्टॉल ना करें। लास्ट पॉइंट है, बेटर के हफ्ते में एक या दो बार अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करें या स्विच ऑफ स्विच ऑन करें, ये बेटर रहेगा आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।